हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे देख लिया आपने घर में, सृष्टि शायद थोड़ी सी आपको दिखी होगी अभी बाय करते हुए, क्योंकि शी इज़ नॉट गोइंग फॉर द सफारी। इट्स 5:50 AM और मेरी गाड़ी आने वाली है, तो अभी हम भी निकल रहे हैं सफारी के लिए। नॉट हम, सिर्फ मैं। वो 5:50 हो रहे हैं सुबह के, देखते हैं जोन 6 है या 8 है। बारिश तो वैसे थोड़ी बहुत हुई है रात को भी, बट चलिए होपफुली शायद 8 मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिला सारे जोन बंद हुए तो हम 6 में फिर से चलेंगे। तो 6 में हमने करी थी एक इवनिंग सफारी जो थी दिन के 3:30 से 6:30, और आज करेंगे मॉर्निंग सफारी। एंड नॉट श्योर 6 or 8, लेट्स गो। पहले हल्का सा कुछ देखते, रेस्टोरेंट में कुछ है चाय वाय मिल जाए तो बढ़िया है। और ये व्यू देखिए आप, मौसम कितना प्यारा हो रहा है सुबह। सुबह सुबह सफारी जाने वालों के लिए होटल में या रेस्टोरेंट में चाय एंड कॉफ़ी की सुविधा है, बंदोबस्त कर रखा है उन्होंने कि आप अगर सुबह निकल रहे हैं तो यू कैन हैव योर कॉफ़ी एंड टी एंड देन यू कैन गो फॉर योर मॉर्निंग सफारी, विच इज़ अ गुड थिंग। चाय पी लिए, अब बस जैसे अपनी कार आती है निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आज की सफारी कैसी रहती है। चलिए, एंड बारिश का सीज़न है तो बस आई एम कैरिंग दिस अम्ब्रेला एंड वाटर बॉटल। 6:07 हो गए, वेट करते करते गाड़ी नहीं आ रही, 5:55 से यहाँ खड़ा हूँ। भाई लेट हो रहे हैं। सो अपनी गाड़ी आ चुकी है, मुकेश भाई आ चुके हैं और हमें अब जाना है यहाँ से लेने गाइड साहब को, जो कि मिलेंगे ऑन द वे। और इवन सलमान भाई जिनसे मैं अपनी सफारी बुकिंग करवाता हूँ वो साथ चल रहे हैं। और मौसम देखिए, बहुत ही घने काले बादल, कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा मौसम है। अपने साथ बस एक अम्ब्रेला है, तो इसके अलावा और तो कुछ लाए नहीं है। अब देखी जाएगी जैसा भी रहता है। और परसों हम गए थे जोन नंबर 6 में इवनिंग सफारी, और आज हम कर रहे हैं मॉर्निंग सफारी, तो दोनों का अपना एक अलग मज़ा है। और मौसम देखिए आप, ओहो इसका और ज़्यादा अलग मज़ा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं जंगल में आज लक कैसा रहता है हमारा, आज क्या देखने को मिलता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। चलिए सर, गाइड साहब भी अपने साथ आ गए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलें। हाँ जी, मेरा नाम शांतनु सिंह है, मैं आपका गाइड हूँ सर। ऑल राइट, अब यहाँ से हमको लगभग 15 मिनट्स के आसपास लगेंगे जंगल के एंट्रेंस तक पहुँचने में। 15 मिनट्स? अच्छा 15, वही मैं सोचूं 50 तो साथ हो गया, 7 बजे अंदर पहुंचेंगे क्या? ठीक, 15 मिनट्स में पहुंच। हाँ सलमान भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, आप कैसे हो? मैं सलमान भाई का लक देखते हैं आज हमारे साथ कैसा कुछ दिखता है ना, दिखता तो हमारे भाई सारे भाई मिल गए हैं, तो मैंने कहा सलमान भाई को भी बुला लेते हैं, आज अकेले जाने से अच्छा है साथ में चलें। चलिए सलमान भाई हैं, सलमान भाई से मैं पिछले 2.5 साल से सारी सफारी बुकिंग करवा रहा हूँ और इस बार की भी दोनों सफारी भाई ने ही करी है। बढ़िया साइटिंग तो नहीं, लेकिन मौसम बढ़िया तो साइटिंग, रेयर साइटिंग हो गई भालू की जो आज तक नहीं दिखा था। और अब एक और बार अपना लक आजमाते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इस बार मॉर्निंग सफारी का, क्या सीन रहता है। भाई का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप भाई को डायरेक्ट कांटेक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं। तो अब हम लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग जहाँ सफारी करेंगे इसको बोलते हैं जोन 6। तो एक्चुअली क्या है कि रणथंभौर नेशनल पार्क की टोटल साइज है 1700 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका 80% एरिया नॉन टूरिज्म एरिया है, जहाँ पे सफारी व्हीकल्स नहीं जाते हैं, हम लोग
सफारी नहीं करते, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंजर्स यही लोग एक्सेस कर पाते हैं। और ये जो 20% एरिया है जहाँ टूरिज्म के लिए ओपन है, ये 10 जोन्स में डिवाइड है। तो अभी स्टार्टिंग 5 जोन्स जो हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है और ट्रैक्स पर गाड़ियाँ नहीं चल पाती, और इंडिया के ज़्यादातर नेशनल पार्क इन 3 महीनों में बंद होते हैं। और जोन 6, 7, 8, 9, 10 ये खुले होते हैं, लेकिन अभी इन दिनों ज़्यादा बारिश होने की वजह से सिर्फ जोन 6 में ही सफारी हो रही है। हाँ, और टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे जंगल में है 80 के आसपास। वो 80 टाइगर्स उस नॉन टूरिज्म एरिया जो मैंने आपको भी बताया था 80% है, उसमें भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। तो यहाँ इन 10 जोन्स में रहने वाले टाइगर अराउंड 30-35 के आसपास है। अच्छा। और अभी जिस जोन में हम, जोन 6 में, ये जो एंट्री हमने स्टार्ट की है, यहाँ से टेरिटरी आती है एक फीमेल टाइगर जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है। और हर टाइगर यहाँ पे जब भी पैदा होते हैं तो उन्हें एक आइडेंटिटी दी जाती है एक नंबर के साथ में। तो इस लक्ष्मी को तो नाम ऑफिशियली नहीं है, ये हम लोग गाइड ड्राइवर्स बोलते हैं, बाकी इसका ऑफिशियल नंबर है T127। okay. और इसके अलावा एक मेल टाइगर जिसका नंबर है T139, वो उसका मेट है जो यहाँ रहता है। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिनों से एक नया टाइगर जो जोन नंबर 2 में, जिसकी माँ नूरी है और उसका बेटा है जिसका नंबर है T23110, वो अभी 4-5 दिन से आने लगा। अच्छा। अब आपको सामने एंट्री पॉइंट दिख रहा होगा जी, तो ये गेट का ऐसा है कि 1982 से पहले जी इसके अंदर की तरफ एक गांव हुआ करता था। अच्छा। जिसका नाम था कुंडाल, तो ये कुंडाल गांव की एंट्रेंस थी। अच्छा। फिर 1982 के बाद में जब ये नेशनल पार्क बना तो गवर्नमेंट ने, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं हो उस वजह से, यहाँ रहने वाले लोगों को अच्छा पैसा दिया ताकि ये लोग अपने मकान बाहर बना सकें, और फिर ये पूरा एरिया टाइगर्स के लिए होगा क्योंकि जंगल की साइज भी एक्सपेंड होने लगी। तो इस तरह के लगभग 14-15 गांव गवर्नमेंट ने जो जंगल के अंदर हुआ करते थे वो यहाँ से हटा के बाहर कर दिए, इसलिए अब टाइगर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बहुत कम चांसेस रहते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने एक बात बताना भूल गया कि जो, जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइगर्स रहते हैं, उसके अलावा 2 टाइगर्स की टेरिटरी और है, उसमें एक T39 नूर करके बुजुर्ग टाइगर है जिसकी एज अभी लगभग 16 ईयर्स है। अच्छा। और एक टाइगर है T101 जो नूर का मेट है। तो इस तरीके से ये 4 टाइगर्स जोन 6 के अंदर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेयर एनिमल्स हैं उनमें टाइगर, लेपर्ड और भालू, ये बड़े कार्निवोरस एनिमल्स हैं। और फिर स्पॉटेड डियर, सांबर, नील गाय और इंडियन गजेल करके हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। उसके अलावा पिकॉक वगैरह, मंकीज, और अभी बारिश का सीज़न है तो रेप्टाइल्स वगैरह में स्नेक जो हैं उनकी भी साइटिंग्स इन दिनों ठीक ठाक हो जाती है। ये टाइगर तो भरोसा नहीं है। अभी हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं जंगल में, जोन 6, आफ्टरनून सफारी हम कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं मॉर्निंग सफारी। सामने है स्पॉटेड डियर अंदर, और थोड़ा दिखेंगे नहीं आपको, मुझे आंखों से दिख रहे हैं, ये थोड़ा जूम करूँगा तो भी थोड़ा दूर है, कोई नहीं आपको दिखाते थोड़ा सा आगे चल के जंगल की शांति। और वो देखिए आप, और ये रस्तों की हालत देखिए कैसे गाड़ियां चलती हैं। तो पथरीली जमीन है इसलिए कैंटर निकल जाता है, ये मिट्टी ज्यादा है, अगर कैंटर एक बार फंस गया तो फिर वो निकलना नहीं। डर गए तो चलते हैं। ये स्पॉटेड डियर हैं, इनमें से जो मेल होते हैं उनके एंटीलर्स होते हैं और फीमेल के नहीं होते, तो ये सारी अभी फीमेल ही है। और मेल भी, मेटिंग सीजन इनका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सर्दी के टाइम पे रहता है जी। तो मेटिंग कंप्लीट होने के बाद में मेल भी अपने एंटीलर्स को बिठा देते हैं। अभी तो सारे भारी हैं। सलमान भाई अब बताओ क्या दिखाओगे आज? जैसा कि आपका कॉल आया सुबह सुबह, पहले तो नींद से उठना बहुत टफ टास्क था, ये कि आपके साथ मीटिंग भी हो गई। हाँ, ये तो है, इतने सालों से करवा रहे हैं, मिल भी लेते हैं भाई का, सफारी भी चलते हैं, अकेले जाने से अच्छा है दो जने साथ हो, बढ़िया मजा आता है। देखो वैसे जब आपने, मैंने सबसे पहले गाइड और ड्राइवर का नाम देखा, हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था, अगर मैं नहीं भी जाता हाँ। तो दे आर वेरी लाइक
नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो यहाँ पे जो है फिर तो एक्सपीरियंस वाले सब बंदे, फिर भी एक आपको ज्वाइन करना काफी अच्छा लगा। सो लेट्स होप तीन तिकड़ी बैठी है आपके साथ हमारी लोकल लैंग्वेज में तिकड़ी, तो लेट्स सी कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। अगर हमने अकेले में भी बहुत देखें, आपके साथ देखने का एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि दिख जाए तो ठीक है, लकी बात है, वरना अदरवाइज जंगल एंजॉय करेंगे पूरा 3 घंटे। आप देखिए कितना सुंदर जंगल हो रखा है, एकदम डेंस, राजस्थान लगेगा नहीं आपको राजस्थान के अंदर है, लेकिन है बहुत ही प्यारा। सुंदर लग रहा है ना, मैं तो इसलिए मैं खुश हूँ, मतलब दिखे ना दिखे जंगल सुंदर दिखता ना। तो यहाँ से थोड़ी देर व्यू एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आसपास का एरिया अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है बारिश में। ये जो अपने चारों तरफ जो ये हिल हैं, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिल्स है जिसको अरावली बोलते हैं। इसकी टोटल साइज 680 किलोमीटर के आसपास है। ये गुजरात से चालू होके पूरे राजस्थान से होके और दिल्ली तक जाती है, और मेनली जो इसमें स्टोन पाया जाता है वो सैंड स्टोन होता है। गाड़ी इतनी हिल रही है, स्टेबल है, चल रहा है। इस साइड में आया नहीं परसों, आफ्टरनून सफारी में ऊपर ले गए थे उस पर। दिन में जब पहुंचे तो कॉलिंग हुई थी वहीं से, भाई ऊपर ही ले गए सीधा। रास्ता बड़ा खराब था पर उन्होंने ऐसे आराम से चढ़ाई गाड़ी, और कोई गाड़ी नहीं थी, अकेली गाड़ी हमारी। रहने का आप ले चलो, यही है ना, अकेले बंदे दो जने थे हम, अपनी गाड़ी तो भैया ने एक्सक्लूसिव, जहाँ वो चलते चले गए दिखाने। जैसे हमने अभी शुरू में स्पॉटेड डियर देखे थे, वैसे ही ये दूसरी तरह का डियर है जिसका नाम होता है सांबर। इनमें भी सेम चीज़, फीमेल के सिर पे एंटीलर्स नहीं होते, सिर्फ मेल के होते हैं। और टाइगर का सबसे फेवरेट फूड माना जाता है इसको, क्योंकि टाइगर का जो हंटिंग टाइम होता है वो होता है रात का, और रात के टाइम सांबर की आईसाइट वीक रहती है, उसको अच्छे से दिख नहीं पाता। स्मेलिंग इनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन आईसाइट वीक होती है, इस वजह से सांबर रात के टाइम पे पहाड़ियों के ऊपर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइगर जो हैबिटेट लेपर्ड का होता है पहाड़ियों के ऊपर, वहां टाइगर कम रहना पसंद करता है। और जैसे ही मॉर्निंग होती है, सनलाइट आती है, सांबर दोबारा जमीन पर आ जाता है। तो इन्हें लेपर्ड अटैक नहीं करता इन पे? लेपर्ड क्योंकि ये साइज में काफी बड़े होते हैं तो लेपर्ड के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन टाइगर इजीली हंट कर लेता है। इसलिए बहुत कई बार ऐसा होता है कि जब हम मॉर्निंग में जब सफारी स्टार्ट करते हैं तो सांबर ऑलरेडी मरा हुआ मिलता है और टाइगर उसके पास में बैठा हुआ खड़ा होता है। तो ये ज्यादातर चीजें रात को ही होती हैं। चलो
कई बार एक जोन में एक सफारी भी इनफ नहीं होती, जैसे आपने बोला ना एरिया वही वाला देखा था। हाँ ये वाला इधर से आया नहीं था वही। जंगल में तो सेकंड सेकंड में एकदम कुछ भी हो जाता है, कहीं से क्या निकल गया पता नहीं चला। 6 घंटे में देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। सीमेंटेड ब्रिज है हाँ जी। इसके बाद में इसके पीछे की तरफ जो मैंने पहले बताया था कि T-127 और T-139 है उनकी टेरिटरी है, अब ये इसके जस्ट आगे से T-39 नूर और T-101 बादल इन दोनों की टेरिटरी चालू है। इनका टेरिटरी वही रहता है 30-35 किलोमीटर के अंदर ही चलेगा। अंदर मत फंसा मत फंसा, की चढ़े उधर पीछे से ले। क्या पूछ रहे सर? मैं कहता हूं टेरिटरी जो करते हैं 30-35 किलोमीटर में मेल टाइगर की बड़ी होती है, मेल टाइगर की 45-50 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है। जो मेल टाइगर अपने प्राइम टाइम में यानी कि 5 साल से लगभग 12 साल के बीच की उम्र का जो टाइगर है वो 45-50 स्क्वायर किलोमीटर तक रख लेता है। फीमेल टाइगर इसकी 15-20 स्क्वायर किलोमीटर, वही मतलब एक मेल टाइगर के उसमें 2-3 फीमेल टाइगर्स रहते हैं। फीमेल टाइगर्स होती है, उसका रीजन ये होता है कि जब फीमेल टाइग्रेस हीट पे होती है उसकी मेटिंग हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में फीमेल टाइग्रेस मेट नहीं करती है। और मेल टाइगर उस ड्यूरेशन में 2-2.5 साल जब फीमेल टाइग्रेस के पास में बच्चे हैं अगर मेल टाइगर हीट पाएगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी से मेटिंग करने की, इसलिए उसको एक से ज़्यादा फीमेल टाइग्रेस की ज़रूरत होती है। प्लस मैंने सुना है टाइगर अपने मतलब बच्चे उसके मार सकते हैं, मार देते हैं जो मेल टाइगर उनका बाप होगा वो नहीं मारेगा, हाँ दूसरों के मार देते हैं जी दूसरे मेल टाइगर, क्योंकि अगर कोई दूसरा मेल टाइगर उस टेरिटरी में आ जाएगा जहाँ फीमेल टाइग्रेस के बच्चे हैं तो वो उसे इंसिस्ट करेगा मेटिंग के लिए, लेकिन वो मीटिंग नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कब्ज हैं, तो उस वजह से उसको उन कब्ज को मारना पड़ेगा ताकि फीमेल दोबारा हिट पे आए और मेटिंग करने को तैयार हो जाए। तो ये जोन 6 की अलग जगह है, आप देखो आफ्टरनून सफारी में अलग साइड गए थे हम जोन 6 के और ये मॉर्निंग सफारी में हम दूसरी साइड आए हैं। आप कितने टाइम बाद सफारी कर रहे हो सलमान भाई, आप ऐसे करते रहते हो आप? भाई आप रेगुलर तो नहीं बट हाँ ये कि सीज़न टाइम की अगर मैं बात करूँ अक्टूबर के आसपास तो उसमें हाँ मतलब हर 2-3 दिन में चले जाते हैं जी। सही, चलो फिर से एक बार प्लान करेंगे अक्टूबर में आने का, फिर आपको बताऊँगा। अक्टूबर में आना, उस टाइम ये बाकी के जो ऑप्शन खुल जाएंगे सर, खुल जाएंगे और उस टाइम उधर का जंगल भी अभी काफ़ी अच्छा हो रहा होगा, पानी जैसे जोन 3 आपने देखा ही था लास्ट, हाँ 3 जी पानी काफ़ी अच्छा रहता है ग्रीनरी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया, तो उस टाइम पे ये कि पानी बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। तो अक्टूबर में तक तो रहेगा ही वो सारा, अभी तो पानी हाँ अक्टूबर नवंबर और भी पानी अभी चलेगा, पानी एक्चुअली अभी मार्च के आसपास ही थोड़ा सूखता है और इस बार बारिश अच्छी है तो पानी मिलेगा। क्या होगा लेकिन यार जिप्सी के बाद क्या होगा इसकी, जिप्सी के बाद कौन सी उसको सफारी कराओगे? ऑप्शन तो ये है, जिप्सी के बाद अभी तक ऑप्शन नहीं मिल पा रहा कि जिमनी में सफारी हो या बोलेरो कैंपर हो या थार में हो। यही समस्या प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली, जिप्सी जब से मारुति ने
शायद आर्मी वगैरह को तो दे रहे हैं, बाकी जंगल के हिसाब से या नेटवर्क के हिसाब से सप्लाई करना बंद किया है। अच्छा, तब से अभी तक क्या इसका कोई ऑप्शन जंगल के हिसाब से नहीं मिला सफारी के लिए। अच्छा, तो ये क्या बंद हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? जैसे कि क्या होता है ना, मॉडल कंडीशंस वाला सिस्टम होता है। अच्छा, तो जैसे रणथंभौर में 5 साल की मॉडल कंडीशंस हुआ करती थी, कंडीशन हुआ करती थी, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि कोविड के टाइम बाद 2 साल एकदम जंगल क्लोज रहा, तब फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला मॉडल कंडीशन बढ़ाई जाए, क्योंकि और पार्क्स में किसी में 10 साल है, किसी में 15 साल है, और जिप्सी जो है 5 साल में इसका कुछ ज़्यादा बिगड़ता भी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा ऑफिसर्स ने सुना, धीरे धीरे 7 साल हुई, फिर अभी 8% में 10 साल। ये जो जिप्सीज आप जिनमें अभी सफारीज करें, ये लास्ट 2016 में टेंडर हुए थे, 2016 में। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मारुति जो है, या तो शायद उसका आर्मी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो जिप्सीज हैं वो आर्मी के आर्मी ही लेती है, तो मारुति में जो अदर सप्लाईज हैं वो पूरी बंद कर दी जिप्सी की, जैसे पहले कोई भी ले सकता था। अभी फ़िलहाल ये कि ये जो मॉडल कंडीशन है, इसके आउट होने के बाद में क्या ऑप्शन मिलता है वो अभी तक नहीं, जंगल को मिल नहीं रहा है। ये भी एक समस्या ही है। बहुत सारे अलग अलग ट्रायल्स चल रहे हैं, फोर्स की गाड़ियाँ हैं, टाटा की, अलग अलग ट्रायल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी हुआ है, बट वो अभी तक सक्सेस हो नहीं पाया। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट टाइम, आपको कौन से व्हीकल सफारी कराई जाए उसके बारे में थोड़ा मंथन चलेगा। लेकिन फील इसकी जो है जिप्सी की, वो तो मुश्किल है, कहीं और आना है। ओपन ओपन व्हीकल मिलेगा, नहीं मिलेगा व्हीकल? मिलेगा ओपन ही, अगर जो भी आता है उसका, जो अगर फॉर एग्जांपल हार्ड टॉप में आता है तो उसका वो आपको जो है कटवाना पड़ेगा, उसके बाद जैसी मॉडिफाइड जिप्सी होती है वैसी बनवाना पड़ेगा। जिप्सी में प्लस पॉइंट ये था कि इसका जो है हार्ड टॉप होता ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसा कि अभी हमारे बताया कि आरटीओ जो है वो आपको परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि आप हार्ड टॉप की गाड़ी लाके उसको काट के बनाते हो तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि आप उसका जो है इंश्योरेंस कराते हो तो कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर देगी कि आपने गाड़ी ली थी, कटवाई है। तो बहुत अलग अलग अभी चीज़ें चल रही, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है नेक्स्ट ये जो सीज़न आने वाला है। सो ये चेक पोस्ट पे आ गए ना, चेक पोस्ट पे यहाँ पे गाड़ी रुकती है, 5-10 मिनट का ब्रेक, और आप सामने भीड़ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे। हाँ, सारी गाड़ियाँ ही, वरना लिमिटेशन होती होगी कुछ। तो थोड़ा सा ब्रेक मिला है 5-10 मिनट का, हल्का सा टहल करने, देखते हैं क्या हो रहा है आसपास। तो गलत जूते पहना है, वाइट ये गंदे हो जाएंगे अभी ये बढ़िया रहता है इसका। तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट यहाँ हो गए सलमान भाई से बातें करते करते, यहाँ पे हमें वेट कर रहे हैं, निकलेंगे यहाँ से आगे। अब 1-1.5 घंटे और रहेगा सफारी का, कुछ हाथ लगता है तो देखते हैं, वरना ठीक है। हमें पता है कैसा रहता है मानसून में, तो ज़्यादा उम्मीदें वैसे भी नहीं थी, जंगल एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, सलमान भाई अपना बता रहे थे आसपास के बारे में, तो वो सब नॉर्मल 1-to-1 कॉन्वर्सेशन थी, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, हर चीज़ नहीं करते ना ठीक है नॉर्मली। और देखते हैं आगे, अभी 1-1.5 घंटा आ गया अपना कैसा रहता है, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, चलते हैं। अलग ही ब्यूटी है इस टाइम का, मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब बड़े शानदार मौसम सबसे बढ़िया हो गया आपके, इसमें देखो कलर बहुत प्यारा है।
बंदर लगते हैं। हाँ अभी आए, यहाँ से आए। नई जगह से लेके दे ये वाला रास्ता खतरनाक हो रखा। टॉप रखने के क्योंकि इसके अंदर देख छेद हो रहे हैं बीच बीच में, ये वो है बंदूक ने काटने के और ये करने के तीर बाण मार लेंगे। ये वाला मचाना है राजाओं के टाइम का है। इस जगह तक आया और लक्ष्मी वहां से आ रही थी। हाँ तो मैंने उससे कहती गाड़ी बंद कर दे, वो यूज्ड टू करनी। फिर ये जगह ना ये मिट्टी दिख रही होती है, चंडीगढ़ से कोई भाई आया ना। ऑल टाइगर रिजर्व इंडिया कवर करो। तो अब जा रहे हैं वापस अपनी होटल और सफारी हो गई है कंप्लीट। साइटिंग ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, अगर जो रेगुलर वाइल्ड लाइफ लवर हैं और जो फॉलो करते हैं जंगल एडवेंचर, तो उन्हें पता है कि इस सीज़न में साइटिंग के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट जंगल की खूबसूरती सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो इन्जॉय करा हमने, नेचर इन्जॉय करा और अपने भाइयों के साथ बैठे थे, उन्होंने जो चीज़ें बताई हमने समझी और कुछ नया सीखने को मिलता ही है जब भी आते हैं। अभी वापस चल रहे हैं होटल और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और आज चेकआउट है हमारा। जल्दी आएंगे रणथंभौर फिर से 1.5-2 महीने बाद, अक्टूबर से पूरा खुल जाएगा तो उसके बाद प्लान बनाएंगे और फिर आएंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सर, मिलते हैं आपसे जल्दी। सो अभी चेकआउट कर लिया है और जा रहे हैं हम अपने स्टेशन और वहाँ से सीधा दिल्ली। 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी आप मौसम देखिए, यहाँ पे पिछले 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ बारिश और बादल, और उस चक्कर में सफारी में भी थोड़ी सी दिक्कतें रही, कभी बुकिंग बंद हो गई और कभी सिर्फ एक ही जोन खुला मिला। और फिर अक्टूबर में रीस्टार्ट होगा ये 1 अक्टूबर से, तो उसके बाद प्लान करेंगे। और ये अपने पिंटू भाई, हमेशा ऑलमोस्ट हम भैया को ही बुलाते हैं, कहीं जाना होता है आना होता है। इस बार कहीं घूम नहीं पाए ज़्यादा, अगली बार पिंटू भाई ना अक्टूबर में, मिलते हैं आपसे फिर से जल्दी। और अभी फ़िलहाल स्टेशन और 5:30 की ट्रेन है, आधा घंटा ऐसे 15-20 मिनट लगेंगे स्टेशन पहुँचने में, और फिर वहाँ आधा घंटा वेट करके निकलते हैं डेली। यहाँ देखिए आप हालत कितनी ज़्यादा बारिश हुई है इधर, और इसी वजह से सफारी भी ढंग से नहीं हो पा रही, सारे जोन्स बंद हैं। ये और तेज़ शुरू हो गई है बारिश।